हेलो फ्रेंड्स, जैसे दोस्तों आपको पता है मैंने आपके करियर काउंसलिंग के बारे में हमेशा नए नए फ्रेंड्स या उस करियर से जो भी जुड़े रहते हैं उनसे बुलाकर आपको उस फील्ड के बारे में नॉलेज देते हैं। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में कुछ दोस्तों से अपने आप को मिलवाया था। आज मैंने आपको एक हमारे दोस्त हैं संदीप यादव, इनसे अब मैं आप लोगों को परिचित कराना चाहता हूँ। हालांकि इन्होंने तैयारी किया, तैयारी करने के बाद इन्होंने एक मेडिकल के पैरेलल कोर्स होता है जिसे पैरामेडिकल बोला जाता है, तो उसमें इन्होंने सैफई कॉलेज लिया है। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी आइए उन्हीं से लेते हैं, ठीक है। हेलो, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और मेरे जो बच्चे हैं, व्यूवर्स हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि पैरामेडिकल के लिए पहले एलिजिबिलिटी क्या होती है। पैरामेडिकल के लिए एलिजिबिलिटी आपकी मतलब 12th के पास, मतलब 12th पास करने के बाद आप पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं। इसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको, और पैरामेडिकल कोर्स आपको एम्स भी करवाता है और केजीएमसी में भी है, और सैफई यूनिवर्सिटी सीपी नेट के नाम से पैरामेडिकल कोर्स करवाती है। इसका आप एग्जाम देंगे फिर इसमें आप क्वालिफाइड होंगे तो आपको मिलेगा। पैरामेडिकल में ढेर सारा आता है, नर्सिंग आती है और बी ऑप्टोमेट्री आता है, बीएमएलटी आता है। इसे हम पैरामेडिकल इसलिए कहते हैं, ये मेडिको के साथ साथ मतलब पैरेलल चलता है, मतलब वर्किंग इसका पैरेलल है। अगर आपको मेडिको में इंटरेस्ट है तो आप इसे कर सकते हैं, और इसको भी अच्छा है। और हमने जो हमारी जहां तक है तो हमने उसमें पैरामेडिकल में बी ऑप्टोमेट्री ले रखी है। जी जी, तो आपने जैसे बताया कि ये मेडिकल के पैरेलल होता है, तो मेडिकल के पैरेलल होता है, ठीक है। इसमें जैसे बच्चों को जाने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए मेन किस चीजों में फोकस करना चाहिए, और 12th में उनको क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, ये थोड़ा 12th में बायोलॉजी रहना चाहिए, केमिस्ट्री रहना चाहिए, फिजिक्स रहना चाहिए, और तीनों से इक्वल इक्वल क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी दोनों से मिला के 34 क्वेश्चन आते हैं, हम सीपी नेट की बात कर रहे हैं जी जी। और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री से दोनों से इक्वल इक्वल आते हैं, 33-33 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा ये बताइए, आपने एग्जाम दिया, क्वालिफाई की आपकी रैंक क्या थी? हमारी ओवरऑल रैंक 8 थी और कैटेगरी रैंक 4 थी। तो आपने वहां गया, उसके बाद आपको ऑप्ट करना होता है पैरामेडिकल में कौन सा आप ब्रांच ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपने उसमें कौन सा ब्रांच ऑप्ट किया? हमने बी ऑप्टोमेट्री लिया, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए क्या होता है ये, इसमें आगे स्कोप क्या है। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री आप इसे करने के बाद आप आई एग्जामिनेशन करेंगे। आप आई एग्जामिनेशन मतलब किस वजह से हमारा विजन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, या विजन में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं हम, और इसको कितना तक इम्प्रूव कर सकते हैं, आप ये ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं। और इसके बाद आप एम ऑप्टोम कर सकते हैं, और इसके बाद ऑडी कर सकते हैं, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। और इसमें फॉरेन में भी जाने का बहुत सारा चांस है, आप बी ऑप्ट भी करके जा सकते हैं, एम ऑप्ट भी करके जा सकते हैं, या टीचिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें दो मतलब कई सारे ऐसे हैं जिसमें ऑप्टिकल में भी जा सकते हैं, आप क्लिनिकल में भी जा सकते हैं। ऑप्टिकल में लेंस फार्मिंग वाले जितने भी कंपनीज हैं उसमें आप जा सकते हैं, और बाकी क्लिनिकल वाले में आप अपना क्लिनिक खोल के या जैसे भी अपना चला सकते हो आप उस तरह से। तो आपने ऑप्टोमेट्री वहां लिया, फिर वहां थोड़ा सा कैंपस का क्या हाल रहता है वहां पे, कैंपस आपको मिला है, हॉस्टल मिला है, हॉस्टल कैसे अलॉट होता है उसके बारे में कुछ बताइए। हॉस्टल सिंपली अलॉट हो जाता है, एक रूम में दो बच्चों को रखते हैं, वहाँ का तो शेफे का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है, और हॉस्टल भी अच्छे है, मेस है ना, आपको सुबह एक टाइम नाश्ता मिलेगा, दो टाइम खाना मिलता है, और बाकी सब क्लास चलेगी आपकी 9 से 5, बीच में लंच ब्रेक रहेगा, और क्लिनिकल लाइब्रेरी सब चलता रहता है अपना। आपने जैसे मैंने सुना है, ये थोड़ा सा बच्चों को आप बता दीजिए कि एमबीबीएस के कुछ टॉपिक्स होते हैं और कुछ आप लोगों के ऑप्टोमेट्री के टॉपिक्स होते हैं, तो कुछ ऐसे भी बुक्स हैं क्या जो दोनों को पढ़ाया जाता है ये? हाँ, बीडी चौरसिया चलती है वहाँ पे एनाटॉमी के लिए, तो हमें उतना डीप नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन जो भी जितना जरूरत रहता है तो उतना हम ऑकुलर की जो है ऑकुलर भी पढ़ते हैं और जनरल भी पढ़ते हैं। तो जो मतलब एनाटॉमी की बुक है ये दोनों में चलती है, ये बीडी चौरसिया वहाँ भी चलती है और यहाँ भी चलती है, और ऑकुलर की भी सेम चलती है। आप ये बताइए कि जो बच्चों को अपने ऑप्टोमेट्री बताया, जैसे ऑप्टोमेट्री मीन्स होता है आंख से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसको आप डिटेक्ट करके उसको उसका क्या सलूशन ये करना है, तो जो बच्चे ऑप्टोमेट्री ऑप्ट करना चाहते हैं, ऑप्टोमेट्री करना चाहते हैं, उसके लिए क्या सजेशन है, कैसे वो तैयारी करें, तैयारी क्या बेटर रहेगा उनके तैयारी के लिए, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं जो 12th का बोर्ड देना चाहते हैं
ट्वेल्थ में अगर कोई चीज, मैं खुद टीचर हूँ, एज ए टीचर बता रहा हूँ कि फिजिक्स की कुछ बातें अगर उनको बताई जाती है इलेवेंथ की, तो कहते हैं नहीं आ रही है तो इलेवेंथ की, इससे मतलब नहीं है। ट्वेल्थ में वो ज्यादातर ट्वेल्थ की चीजें ये पढ़ना चाहते हैं। जैसे एक मेरे सर विपिन सर भी हैं, वो भी फिजिक्स पढ़ाते हैं, उनका भी यही कहना होता है कि ज्यादातर जो ट्वेल्थ बच्चे होते हैं बोर्ड के, वो लोग अगर इलेवेंथ की चीजें बताई जाती कि इलेवेंथ के, तो वो सीधा उसको मतलब निगलेक्ट करते हैं, नहीं सर ये इलेवेंथ के बोर्ड की चीजें नहीं है, बोर्ड हमको देना है। तो जिसको बोर्ड देने के बाद ऑप्टोमेट्री ऑप्ट करना है, ऑप्टोमेट्री में आना है, तो क्या उसको पैरेलल साथ साथ 11 12 दोनों के चलना चाहिए या फिर क्यों? जी जी दोनों चलना चाहिए। दोनों इसलिए चलना चाहिए कि 11th वाले पोर्शन से आपका लगभग 40-45% आता है, और बाकी 55% या 60% मान ले तो हम 12th वाले पोर्शन से आता है, तो इसलिए पढ़ना तो हमेशा होगा। और 33 क्वेश्चन फिजिक्स से आता है आपका, और 33 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, बाकी जो 34 है वो जूलॉजी और बॉटनी दोनों से मिला के आता है। तो हमें इक्वल टाइम कहीं ना कहीं सब पे देना पड़ेगा, और सबको इक्वल मतलब अच्छे तरीके से लेके चलना पड़ेगा, ताकि हमारा क्वालिफाइड कर सके हम अच्छे रैंक से, और हमें जो चाहे हमें वो सीट मिल सके। आपने यहाँ से गया क्वालिफाई किया एग्जाम, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब वो आप वहाँ पे ऑप्ट कर रहा होगा, तो इसमें कौन कौन सी ब्रांचे और आती है पैरामेडिकल में, और कौन कौन सी ब्रांच? पैरामेडिकल में नर्सिंग आता है आपका, नर्सिंग के बाद बैचलर इन ऑप्टोमेट्री आता है, बीएमएलटी आता है। और बीएमएलटी क्या होता है? बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन में आता है। इसमें क्या करना होता है? इसमें ये जांच वाली जितनी होती है आपकी, सब बीएमएलटी के अंतर्गत आता है। और जो बीआरआईटी है ये रेडियोलॉजी से संबंधित है, इसमें जितने भी आपका एमआरआई एक्सरे ये सब आता है। और बीएमएलटी में जो बता रहे हैं, और इसमें ढेर सारे कोर्स हैं, हमारे यहाँ 17 कोर्स चलते हैं, तो उसमें टेक्नीशियन वाले हैं और डिप्लोमा में की ढेर सारे कोर्सेज हैं। आपने ये बताया आप वहाँ जब गए पहली बार हॉस्टल में गए, तो आपको वहाँ का अनुभव क्या हुआ? पहले फर्स्ट क्लास गए उसका अनुभव बताइए क्या हुआ? फर्स्ट क्लास गए तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मतलब कि थोड़ा सा एक हेजिटेशन होता है कि मैं कहाँ आ गया? तो अपने सीनियरों से, अपने बॉस से कैसे रिएक्ट हुआ, उनका रिस्पॉन्स आपके प्रति कैसा रहा, कितना हेल्प किए, कैसा हेल्पफुल नेचर के थे, क्या थे? नहीं नहीं हमारे बॉस जितने भी जो मिले हमें वो काफी हेल्पफुल नेचर के थे। हमने तो पहले हम लोग सोच रखे थे कि सीनियर होंगे, अपने मतलब सीनियर तरीके से जूनियर को हैंडल करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी फीलिंग नहीं आया कि हम उनके जूनियर हैं, वो एज ए छोटे भाई जैसा ट्रीट कर रहे थे हमें। और काफी अच्छा लगा उन लोगों से मिलके कैंपस में। पहले तो सबको लगता है कि हम जा रहे हैं, थोड़ा हेजिटेट होते हैं, लेकिन बाकी सब पूरा कम्फर्ट था। जो हमारी फैकल्टी वो भी काफी सपोर्टिव है, तो इसलिए माहौल फ्रेंडली हो जाता है फिर इसके बाद। ठीक है, तो देखिए आज के मैंने वीडियो में आपको ये बताना चाहा कि अगर आप 12th के बाद मेडिकल फील्ड में आना चाहते हैं, तो इस पे दो, एक तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं, उसमें आगे बढ़ सकते हैं। एक मेडिकल के पैरेलल जो कोर्स होता है, जो सर ने बताया कि पैरामेडिकल होता है, तो पैरामेडिकल के बारे में इन्होंने तमाम बीएमएलटी के बारे में बताया, बी ऑप्टोमेट्री के बारे में बताया, रेडियोलॉजिस्ट कैसे बना जाए इसके बारे में बताया। तो सारी जानकारी मैंने जहां तक हो सका आपको सारी जानकारी डिलीवर करने का अपना प्रयास किया। इससे आप जितने बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो इधर, तो आप फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, इसका नंबर डिस्क्रिप्शन नंबर में मैं दे देता हूं अपने दोस्त का नंबर। तो आपको कोई और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो कई सारी यूनिवर्सिटी हैं, अपना सबका अलग अलग से चलता रहता है, एम्स बीएचयू केजीएमसी, तो इस तरह से मतलब आप जहां भी फॉर्म चेक करते रहिए, जिसका भी आया उस हिसाब से फिलअप करिए, और जो आपके नजदीकी यूनिवर्सिटी हो आप उसका फॉर्म चेक कर सकते हैं और उसमें भर सकते हैं। और एक अच्छा कोर्स है, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है, आपको जॉब भी मिलने का कोई दिक्कत नहीं है, सब बेस्ट। ठीक है, तो आज थे हमारे सर, थैंक यू।